कोशिश करें, लेकिन जो स्टूडेंट है वो बीच रास्ते में ही आप लोगों को छोड़ दें। देखिए, युवा है, नौकरी उसकी पहली प्राथमिकता है। जिस तरह से सरकार ने डराने धमकाने का काम किया, जैसे उनको डरा धमका करके इस आंदोलन को रोकने का काम किया, बहला फुसका करके रोकने का काम किया, सरकार कह रही है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। हम लोगों भी सरकार बहलाई हुई है, हम लोगों ने नियोजन नीति झारखंड का सबसे गंभीर विषय है उसको लेकर के हम लोग कर रहे थे, आप लोग भी दबाव बना रहे थे, सदन नहीं चल रहा है, करोड़ों रुपये बर्बाद हो जा रहे हैं, आप लोग सदन को चलाइए। कार्य मंत्रणा में हम लोगों ने पुरजोर तरीके से जो झारखंड के मुद्दे हैं उनको सरकार तक पहुँचाया। अपने कार्य मंत्रणा में भी हमारे माननीय नेतागण ने सारे विषय को रखा। मुख्यमंत्री जी का यह आश्वासन हुआ कि भाई हम जवाब देंगे, जवाब के इंतजार में दिन ब दिन हम लोग डेली सोचते हैं कि आज मुख्यमंत्री जी आएंगे जवाब देंगे। आज अब 4 दिन बचे हैं, अब लास्ट दिन में आकर के आप दाएं बाएं कुछ भी बोल करके निकल जाइएगा, इससे तो झारखंड का सवालों का जवाब नहीं होने वाला है। आप जवाब देना चाहिए और अब देना चाहिए, अब समय हो गया है, आज हम लोग इंतजार कर लेते हैं, नहीं तो जरूर अपने नेता बाबूलाल मरांडी जी से बात करेंगे और बोलेंगे भाई अब सरकार से जवाब लेना चाहिए, क्योंकि ऊहापोह की स्थिति और गंभीर होती चली जा रही है, लोग और परेशान हो रहे हैं, और जिस तरह से राज्य सरकार अपना दमनात्मक नीति अपनाने का प्रयास कर रहा है, लोगों को डराने धमकाने का प्रयास कर रहा है, प्रशासन का जो गलत इस्तेमाल कर रहा है युवाओं की आवाज़ को दबाने के लिए, अब यदि हम लोग ना करें तो फिर ये थोड़ा अन्याय होगा। हजारीबाग की स्थिति देख ही रहे हैं, ये सरकार सभी फ्रंट पर वो चाहती है कि लोग जो है उनके हाँ में हाँ मिला करके आगे बढ़े, वो जो भी अनैतिक कार्य करे जो भी करे उसमें हम लोग मुखदर्शक बने रहे, तो मुझे लगता है ये ठीक नहीं रहेगा। लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का काम ही है उसको हमेशा सचेत करना, उनको जगाना, तो हम लोग उसका आवाज़। छात्रों के साथ एक वार्ता हुई है आज विधानसभा, देखिए वो वार्ता नहीं है, वो डराने का एक जरिया था। अब अंदर में क्या हुआ कैसे हुआ, छात्र का आंदोलन को जिस तरह से आपने उसको खत्म करने के लिए बाध्य किया, एक कोई वार्ता नहीं है, वो डराया धमकाया है, बहलाया फुसलाया है, वो छात्र नेताओं को पूरे झारखंड के अंदर पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको खदेड़ा गया है, उनको बताया गया है कि भाई तुम्हारा लाइफ खराब कर देंगे, तुम्हारा करेक्टर खराब कर देंगे, जो नौकरी का बात करता है तुम्हारे जीवन में ऐसा करेक्टर लिख देंगे जो कि नौकरी क्या भीख मांगने के लिए लायक नहीं रहेगा, ऐसा कहकर सबको डराया धमकाया गया, इसलिए युवा खामोश बैठे। ऐसा कोई मामला आपके प्रकाश में आया है क्या? मैं कह सकता हूँ, कल की घटना देख करके मैं अपने अनुभव से कह सकता हूँ कि सरकार जो है निश्चित रूप से उन पर दबाव बनाए, और कई एक युवाओं के साथ संपर्क हुआ, उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग आ रहे थे लेकिन प्रशासन ने कहीं ना कहीं हम लोग को अस्पृश्य करने का काम किया। कुछ नेता भी हैं जो उनको बरगलाने का काम किए हैं जात पात के नाम, वो बता रहे कि वो उनकी सरकार है, भाई उनकी सरकार तो लोगों ने बनाई ही है, लोगों का ही है, लेकिन युवा कब तक चुप रहेंगे खामोश रहेंगे? एक उम्मीद जगा करके डरा धमका करके आपने तत्काल तो राहत ले लिया, रेमेडी ले लिया, लेकिन जो अंदर जो झारखंड के अंदर जो ज्वालामुखी का लावा गर्म हो रहा है वो एक ना एक दिन फूटेगा, और फूटेगा तो फिर आपके चूल्हे हिल जाएंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।